कि प्लीज़ आप छात्रों की बात को सुनिए, क्योंकि हम लोग सरकार पे कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई घुसखोरी या रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 7 साल से ये वैकेंसी पूरा नहीं हुई है, इस वैकेंसी को आप पूरा कर दीजिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 7 साल का समय बीत चुका है और 13,120 पदों पर बहाली होनी है और बिहार के हर जिला में ये इसके थ्रू बहाली होनी है, कर्मचारियों की बहाली होनी है। इसके चलते जो बहाली नहीं हुई है तो बिहार का विकास कार्य भी बाधित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं और हम लोग को कानून संविधान पे भरोसा है। हम लोग अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और बिहार में राष्ट्रीय छात्र एकता मंच छात्रों के हित के लिए बनाया गया है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो है ये छात्रों ने ही बनाया है, बिहार के जितने छात्र छात्राएं सबों ने मिलकर ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है, ताकि बिहार के किसी भी छात्र छात्रा के साथ अन्याय होता है तो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच उनके लिए न्याय के लिए लड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूँ कि 2014 में जिस तरीके से आपने नियुक्ति निकाली थी BSSC के माध्यम से, उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आप इनकी मांगों को बताइए, या तो ये सही है या गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, आके सरकार बात तो करे। हर चीज पर लाठी चला देना, जेल भेज देना, ये कहाँ का न्याय है भाई? मजिस्ट्रेट साहब से जब हमने पूछा कि चिराग पासवान जेल जाने को तैयार है, जेल भेजेंगे उनको, तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो सांसद है, वो कुछ भी बोले। भाई मैं सांसद से पहले बिहारी युवा हूँ और एक युवा होने के नाते मैं युवा साथियों का समर्थन कर रहा हूँ। जो कार्रवाई इन पे होगी वो मुझ पे भी होगी। कह रहे हैं आपके जाने के बाद कुछ कार्रवाई किया जा सकता है? भाई जब तक परमिशन है इनके पास तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बताए ना, ये लोग विषय को भटकाते हैं। कभी राम हनुमान दुनिया भर के रामायण के जिक्र करेंगे, हर तरीके की बातें करेंगे। आप बताएं ना कि 19 लाख रोजगार आप कब देंगे? सिंपल सा सवाल है। 19 लाख रोजगार के नाम पर मौजूदा सरकार बनी थी, वो 19 लाख रोजगार कब देंगे? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नौवीं फेल रोजगार नहीं दे सकता। बिल्कुल, जो कि ज्वलंत विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा को भटकाया जाता है विभिन्न और तरीकों से। राम के नाम पे, रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर विभिन्न और विषयों को उठा लिया जाता है, पर ये हैं ज्वलंत मुद्दे, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, सरकार को यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नौमी फर।